हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी एंड गवर्नमेंट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ईएमई का एक अपडेट आया है मेरे पास, तो उस अपडेट के बारे में बताऊंगा कि भर्ती कब होगी उसकी, ईएमई की। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब इस अपडेट के बारे में बता देता हूँ। इस अपडेट में दोस्तों, ईएमई सेंटर ने इसको जारी किया है, ईएमई रेजिमेंट ने, और इसमें साफ साफ लिख रखा है कि अब 2019 तक भर्ती अब कोई नहीं है, इस साल भर्ती नहीं है कोई भी। नेक्स्ट ईयर 2019 में भर्ती होगी, वो होगी सेप्टेम्बर और अक्टूबर के महीने में, और फरवरी में होने वाली भर्ती अब नहीं होगी। और जो फरवरी में पहले होती थी ना इस सेंटर में, दिसंबर से फरवरी के बीच में होती थी भर्ती, वो नहीं होगी इस साल, उसको कैंसिल कर दिया गया है। और अब ये भर्ती हो रही है सितंबर और अक्टूबर 2019 में। तो आप डिटेल्स देख सकते हैं, ये ओरिजिनल है बिल्कुल। और 19 तारीख को इसको जारी किया गया था, 19 दिसंबर को, और आप देख सकते हैं रेजिमेंट द्वारा जारी किया गया है, हेड क्वार्टर जोन सिकंदराबाद एंड भोपाल। तो आप देख सकते हैं सभी डिटेल्स कि भर्ती कब होगी, जैसे कि इसमें लिख रखा है, द यूएचक्यू कोटा एनरोलमेंट फॉर ईएमई फॉर ईयर 2019 विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। और भर्ती होगी इसमें वो भोपाल और सिकंदराबाद दोनों सेंटरों की दिखा रखी है इसमें, कलर्क, जीडी, एसकेटी, टेक्निकल और ट्रेडमैन, सभी ट्रेड्स की भर्ती होगी। और ओपन कैटेगरी की कोई भी भर्ती नहीं होने वाली है, जैसे कि म्यूजिशियन की भर्ती होती है और स्पोर्ट्स की होती है, तो इसमें लिख नहीं रखा है, ओपन कैटेगरी की नहीं होगी। और बाकी आप देख सकते हैं इन तीनों की प्रायोरिटी भी बता रखी है। तो ये नोटिफिकेशन था दोस्तों, बहुत से लोगों का इंतज़ार था कि ये भर्ती के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए, और इस भर्ती के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आई है ये है। और भर्ती ज़्यादातर सेंटरों में अब कैंसिल हो गई है, इसका कारण तो अभी मेन कुछ निकला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सेंटरों में कैंसिल हो चुकी है, और ज़्यादातर में भर्ती दो बार हो चुकी है साल में, जैसे कि हुआ करती है, जैसे राजरीफ सेंटर हुआ या फिर और भी सेंटर है, पंजाब रेजिमेंट है, जैसे उनमें दो बार हो चुकी है, लेकिन इसमें नहीं हो रही। और अब देखो एएमसी में भी होगी या नहीं होगी, उसका भी अपडेट देखते हैं मिलेगा तो। बाकी आप दोस्तों देखते रहिए मेरी वीडियोस को, वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, और अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन रीज़न ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद।